वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने SEO के बारे में डिस्कस किया था, तो SEO काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यदि आप ऑनलाइन फील्ड में वेब डिज़ाइन का काम सीखना चाहते हैं, क्योंकि SEO के बगैर आपकी साइट कभी भी रैंक नहीं कर पाएगी गूगल के अंदर। यदि आपने कोई साइट क्रिएट की हुई है, उसको आप गूगल में रैंक करवाना चाहते हैं, तो SEO के बगैर कभी भी रैंक नहीं कर सकते, ठीक। तो इसका वैसे इन फ्यूचर मैं इसका प्लेलिस्ट पूरा अपलोड करूँगा इस चैनल के अंदर, तो आपने इस चैनल को देखते रहना है, इस वीडियो देखते रहना है, ताकि आप अच्छे से जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ब्लॉग से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी, SEO से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिलेगी, तो आपको इन फ्यूचर मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, तो आपने इस चैनल को देखते रहना है, ठीक। तो चलिए, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है CSS टेम्पलेट, कि CSS टेम्पलेट को हम इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको कैसे HTML एडिटर मीन्स MEW में कैसे हम इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पर गूगल को ओपन किया हुआ है, आपने ओपन कर लेना है और वहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखना है CSS टेम्पलेट्स फ्री डाउनलोड, ठीक। तो जहाँ पर एंटर करते ही आपके सामने जो फर्स्ट पेज में जो रिज़ल्ट आएंगे, तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट नंबर पे जो साइट रैंक हो रही है वो templated.co है, ये साइट अभी ओपन नहीं हो रही, मैंने एक्चुअली ऑलरेडी यहाँ पर इसको ओपन किया था। तो उसके बाद है templateemo.com, ये भी साइट है, ये साइट देख लेते हैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको, कि ये साइट ओपन हो रही है या नहीं। उसके बाद ये भी templateemo ही है। उसके बाद freeSS, मुझे जो सबसे बेस्ट साइट लगी वो मीन्स ये free-css.com है। उसके बाद ये भी वही साइट है। उसके बाद tuplate.com नेक्स्ट है, ये साइट भी आप यहाँ पर आपको बुक के अंदर दी हुई HTML5up.net, ये भी साइट आप ओपन कर सकते हैं। मैंने जो साइट आपको बताई है वो सबसे बेस्ट जो है वो है free-css.com। तो ये साइट भी अभी ओपन नहीं हुई, देखिए यहाँ पर templateemo.com भी ओपन नहीं हुई और HTML5up.net भी ओपन नहीं हो रही। तो सबसे जो बेस्ट है वो ये साइट है। तो आप यहाँ से CSS टेम्पलेट को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप पैसा लगाना चाहें, मीन्स आप पेड मीन्स CSS टेम्पलेट खरीदना चाहते हैं, तो आप प्रीमियम जहाँ से CSS टेम्पलेट को ले सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। फ्री का लेआउट यदि आपको चाहिए तो यहाँ से आप फ्री लेआउट भी ले सकते हैं। मेन्यू चाहिए, जैसा कि मेन्यू होते हैं होम, अबाउट अस, इस तरह के मेन्यू आपने क्रिएट करने हैं, डिज़ाइन बनाना है, इसके लिए आप फ्री CSS मेन्यू भी जहाँ से मीन्स डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर काफ़ी सारे आपको मिलेंगे फ्री वेबसाइट टेम्पलेट। तो इसमें आपको काफ़ी सारे वेबसाइट टेम्पलेट हैं, 3000 से ज़्यादा टेम्पलेट हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है टेम्पलेट, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इस टेम्पलेट को डाउनलोड किया हुआ है, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हम MEW के अंदर इम्पोर्ट करते हैं। आपको आप चाहे तो कोई भी कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह का टेम्पलेट चाहिए या फिर आपको कोई और टेम्पलेट चाहिए, तो आप यहाँ से फर्दर जहाँ पर पेज बने हुए हैं इस पर आप क्लिक कीजिए, तो आप जो भी अच्छा लगे तो उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप जिस पर क्लिक करोगे, तो आपका जैसे इस तरह का जहाँ पर फोल्डर मीन्स बिनजिप फाइल हो जाएगा, जब डाउनलोड हो जाएगा, तो इसको हम इंपोर्ट करना सीखते हैं कि MEW के अंदर इंपोर्ट कैसे करते हैं। वो आपके डाउनलोड सेक्शन में चला जाएगा। यदि आप क्रोम का मीन्स ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं, तो आपके डाउनलोड सेक्शन में वो फोल्डर चला जाएगा। अभी जैसा कि ये ईवलो फ्री वेबसाइट जहाँ मैंने CSS टेम्पलेट को डाउनलोड किया हुआ है, उसके बाद MEW को ओपन करना है। MEW को ओपन करने के बाद आपने साइट मेन्यू में जाना है। साइट मेन्यू में जाने के बाद न्यू साइट पर क्लिक करना है। न्यू साइट पर क्लिक करने के बाद जहां पर आपको जनरल टेम्पलेट दो ऑप्शंस मिलेंगे, इस पर आपने जनरल टैब में जा करके इंपोर्ट साइट विजार्ड पर क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्राउज पर क्लिक करना है, मीन्स ब्राउज नहीं, सॉरी, यहाँ पर ओके पर ही क्लिक करना है। यदि नेम देना चाहते हो तो नेम दे सकते हैं, नहीं तो आपने क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके करोगे, तो आप यहाँ पर कनेक्शन टाइप में चेंज करना है, कनेक्शन टाइप में FTP नहीं करना, यहाँ पर आपने करना है फाइल सिस्टम, ठीक। यहाँ पर आपने फाइल सिस्टम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद लोकेशन देना है कि आपका जो फोल्डर है वो कहाँ पर पड़ा है। अभी डाउनलोड सेक्शन से मैंने आपने क्या करना है, जहाँ से कट करके या फिर कॉपी करके आपने माई वेबसाइट जो आपका MEW का बाय डिफॉल्ट जो आपका मींस फोल्डर होता है माई वेबसाइट, उसके अंदर आपने पेस्ट कर लेना है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है इवोल्व फ्री वेबसाइट टेम्पलेट के नाम से, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक। नहीं तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक कर दोगे, ठीक। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, तो उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, तो सभी फाइल्स उसने उठा ली जितनी भी उस फोल्डर्स के अंदर थी, ठीक। उसके बाद आपने ओके पर क्लिक करना है।
है। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर क्या हो चुका है, उस फोल्डर जहाँ पर ये आपको फोल्डर उसी तरह का दिखाई दे रहा है, इवोल्व फ्री वेबसाइट। इसको आप ओपन करोगे तो इसके अंदर दो फोल्डर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड वेब। ठीक, इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हैं, तो आपने जो फाइल रन करनी है वो index.html है। वेब के अंदर जाना है, इसको बैक करते हैं। ये देखिए वेब के अंदर जाना है, ये index.html नाम की फाइल है। इस पर ही सारी कोडिंग है, जो भी आपके पेज अटैच हैं, लिंकिंग है, तो वो इस पेज के साथ ही होता है, क्योंकि ये हमारा वेबसाइट का होम पेज है। इसको इंडेक्स पेज भी बोल सकते हैं, होम पेज भी बोल सकते हैं, डिफ़ॉल्ट पेज भी बोल सकते हैं। ठीक, इसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन आपका होम पेज एक ही होता है, वो है index.html। ठीक, इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो इसकी पूरी कोडिंग जहाँ पर आ चुकी है, इसके अंदर ही CSS को एम्बेड किया हुआ है। ये देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, ऑथर, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है हेड सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर CSS को भी कॉल किया गया है। ये देखिए काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो CSS को कॉल किया गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर चलता हूँ। उसके बाद बॉडी टैग देखिए जहाँ पर शुरू किया हुआ है, डिव क्लास, आपको मैंने बताया था डिव का कैसे यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे, क्योंकि आजकल जो साइट्स के अंदर यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो डिव सेक्शन ही है। ठीक, अभी नेविगेशन मेन्यू जो आपको बताया था कि मेन्यू कैसे बनाते हैं, तो ये बटन लगाया हुआ है। उसके बाद आपको मैं इसका ब्राउज़र के अंदर हम रन करके देखते हैं कि ये साइट ब्राउज़र के अंदर कैसा दिख रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको सेव करना है, ऑलरेडी सेव है तो आपने F12 करके देख लेना है। तो मैंने F12 किया, जैसे ही मैंने F12 किया जो तो ये हमारा CSS टेम्पलेट है, वो पूरा वेबसाइट है वो रन हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है वेबसाइट, सभी सारे जो लिंक हैं वो रनिंग में है, मींस सर्विस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए उसका सर्विस यहाँ पर है। तो इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, वो MEW में ही आपको कस्टमाइज़ करना होगा। ये देखिए पूरे बटन कितने अट्रैक्टिव बटन हैं, कितना अच्छा यहाँ पर लेआउट उसका बना हुआ है। ये देखिए किस पर जाना है, किसी भी आपने जिस पर जाना उस पर क्लिक कीजिए, इस तरह का ये देखो साइट होम पेज कितना बढ़िया बना हुआ है। बस आपने कस्टमाइज़ करके आप अपने आपने अपना खुद का कंटेंट जहाँ पर डाल देना है, तो आपकी साइट तैयार है। बस आप उसको साइट को पब्लिश कर सकते हो, बाद में उसको ऑनलाइन आप मींस एक्सपोर्ट कर सकते हो, इस तरीके से आपकी साइट रनिंग में हो जाएगी। तो ये आपको बहुत आसान बनाता है CSS टेम्पलेट, यदि आप अपने वेबसाइट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो। ठीक, तो कस्टमाइज़ करने के लिए सिंपल है, चाहे तो आप यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये index.html है, लेकिन इसके साथ कनेक्टिविटी में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, जैसा कि जहाँ पर ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंज करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या किया था। ये देखिए यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। यदि आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आप जहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस फाइल को ओपन करना है तो आपका सारा यहाँ पर कंटेंट आ चुका है। ये देखिए पूरा कंटेंट यहाँ पर आ चुका है, बस आपने चेंज करना है उसको, तो ये ऑटोमेटिक जहाँ पर भी चेंज हो जाएगा किसी भी फाइल के अंदर, मीन्स सर्विस, प्राइसिंग, कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने HTML मींस वेब पेजेस को, CSS style.css को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको वापस उसी में जाना है, जो style.css मींस CSS की फाइल्स होती हैं उसके लिए अलग से फोल्डर बन जाता है CSS फोल्डर के नाम से। तो इसके अंदर देखिए जहाँ पर style.css भी है, swiper.css, अलग से 5 फाइल्स मींस इसके अंदर क्रिएट की हुई हैं। तो आप इसमें डबल क्लिक करना तो उसकी कोडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स, कौन कौन से यहाँ पर CSS यूज़ किए गए हैं, ये बॉडी HTML, बॉडी P, पैराग्राफ और बॉडी के लिए यूज़ किया गया है, P स्मॉल, काफ़ी सारा इसमें CSS यूज़ किया गया है। ये देखिए ठीक, इस तरीके से हम कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो इस तरीके से हम CSS या फिर वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं, तभी हमारा जो लुक है वेबसाइट का इस तरह से दिखता है, इस तरह से डिस्प्ले होता है। ठीक स्टूडेंट्स, आज आपको इस वीडियो के अंदर पता चल गया होगा कि हम CSS को कैसे, टेम्पलेट को डाउनलोड कैसे करते हैं और उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं अपने MEW सेक्शन के अंदर। ठीक, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।